गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू. वी आर डूइंग चैप्टर वन, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट आवर एंड कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन, डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर and working of a computer. In this chapter we learn about how computer is helpful in our life, in our many things it help us, like we can draw pictures with the help of computers, type letters, play games and solve sums, watch movies and cartoons, and listen to music. And next is our computer versus man. What is the difference between computer and man? Computer can do work very fast speed and can do many jobs at the same time. But a man needs more time to do work compared to a computer. Next is our computer has a good memory. It never forgets. मीन्स कंप्यूटर जो मेमोरी के अंदर हम स्टोर कर देते हैं वो उसकी मेमोरी में स्टोर रहता है. इट नेवर फॉरगेट एनीथिंग दैट इज स्टोर्ड इन इट. अ मैन मे फॉरगेट द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्टेड इन हिज माइंड, स्टोर्ड इन हिज माइंड. मीन्स हम लोग मैन ह्यूमन बींग कई बार कई थिंग्स को भूल भी जाते हैं, बट कंप्यूटर की मेमोरी में जब आप एक बार चीज़ को स्टोर कर देते हो तो वो परमानेंट स्टोर हो जाती है. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, अ मैन कैन मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर जो है कैसे वर्क करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन, विद द हेल्प ऑफ द यूजर्स. सो जो हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग टास्क करता है. ठीक है, तो कंप्यूटर डज नॉट एनी मिस्टेक एंड मैन कैन मेक मिस्टेक. कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजंस, अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजंस. कंप्यूटर अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेता. जो हम यूजर्स ने उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स के लिए दी हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग टास्क करता है, जबकि ह्यूमन बींग्स जो है हम लोग अपने डिसीजन जो है खुद ले सकते हैं. कंप्यूटर वर्क्स ऑन मैंस ऑर्डर. कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं हम इसको, बट ऑटोमेटिक मशीन मीन्स एक बार आपने उसको कमांड दे दी देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल स्टॉप. ठीक है, हमारे यूजर्स पे डिपेंड करता है. अ मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क. ठीक है, हमें अपने अगर ऑर्डर का पता है, स्पेसिफिक टास्क का पता है, तो हम अपना काम खुद कर लेते हैं. ठीक है, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स. कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती, जबकि ह्यूमन बींग्स में फीलिंग्स होती हैं. नाउ नेक्स्ट, हाउ कंप्यूटर वर्क्स. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट मीन्स जो डाटा और कमांड्स हम एंटर करते हैं कंप्यूटर उसी के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, यानी टास्क करता है, देन हमें आउटपुट शो करता है. दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ब्लंट पेंसिल. ठीक है, ब्लंट पेंसिल आप शार्पनर के अंदर शार्प करते हो तो आपके पास फाइनली आउटपुट क्या होता है, शार्प पेंसिल. ऐसे ही डर्टी क्लोथ्स को हम वॉशिंग मशीन में इनपुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, क्लीन क्लोथ्स. तो हम इनपुट क्या कर रहे हैं दोनों में, एक तो ब्लंट पेंसिल कर रहे हैं और एक डर्टी क्लोथ्स कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के ऊपर प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है, कौन है प्रोसेसर, यहाँ पे शार्पनर एंड वॉशिंग मशीन. एंड फाइनल आउटपुट हमारी क्या है, शार्प पेंसिल एंड क्लीन क्लोथ्स. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट मीन्स जो डाटा एंटर करते हैं हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, दीज आर द इनपुट. जो आप इनपुट करते हो उसी पे वर्किंग करता है कंप्यूटर प्रोसेसर, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग. आफ्टर प्रोसेसिंग हमें जो फाइनल रिजल्ट शो होता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट. ठीक है, सो टुडे वी विल डू चैप्टर इन क्लास ऑल्सो, एंड वी विल डू ऑल्सो एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर and disadvantages of a computer. Okay, bye now.